ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आज माधवी राजेश सिंधिया का अंतिम संस्कार होगा। साथ ही आपको बता दें कि सुबह करीब 11:15 बजे ग्वालियर उनका पार्थिव देह लाया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सुबह 11:45 पर रानी महल उनके पार्थिव देह को लाया जाएगा, वहीं दोपहर 3 बजे रानी महल से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि करीब शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। साथ ही बता दें कि माधवी राजेश सिंधिया का बुधवार की सुबह निधन हो गया था। बता दें कि कई महीनों से वो बीमारी के चलते दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थी और कल सुबह करीब 9:30 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने दिल्ली आवास पर कल माता के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद आज वो माधवी राजेश सिंधिया के पार्थिव देह को लेकर ग्वालियर पहुंचेंगे, जिसके बाद आज उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि दोपहर 3 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज माधवी राजेश सिंधिया का अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि कई बड़े दिग्गज नेता भी उनके अंतिम संस्कार में उनके अंतिम दर्शन के लिए शामिल होते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बीते कई महीनों से माधवी राजेश सिंधिया की तबीयत नासाज थी, जिसके चलते उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कल सुबह 9:28 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और उनका निधन हो गया। साथ ही बता दें कि आज माधवी राजेश सिंधिया का अंतिम संस्कार ग्वालियर में किया जाएगा। सुबह करीब 11:15 बजे उनके पार्थिव देह को ग्वालियर लाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि सुबह लगभग 11:45 पर उनके पार्थिव देह को रानी महल लाया जाएगा और 3 बजे उन्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद 5 बजे शाम को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।